पूरा देश कोरोना वायरस से लड़ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों से अपील कर रहे हैं कि वह अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें, अथवा बाहर निकलें तो सैनिटाइजर व फेस मास्क का प्रयोग अवश्य करें और लॉकडाउन का पालन करें। वहीं दूसरी ओर उनके आदेशों की धज्जियां उड़ाने में थाना मझोला की चौकी काशीराम प्रभारी पंकज एवं सिपाही प्रशांत हरिओम लगे हुए हैं। यही नज़ारा काशीराम क्षेत्र में देखने को मिला, जहां एक राशन डीलर उपभोक्ता को राशन वितरित कर रहा था। राशन बंटवाने से पहले संबंधित थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी व राशन डीलर उपभोक्ता से अंगूठा लगवाने से पहले सैनिटाइजर का प्रयोग अवश्य कराएं एवं कम से कम 1 मीटर की दूरी पर लोगों को खड़ा कर क्रम से राशन वितरित कराएं, जबकि ऐसा काशीराम क्षेत्र में देखने को नहीं मिला। राशन उपभोक्ता एक दूसरे से कंधा मिलाकर राशन लेते दिखाई दिए। अगर कोरोना से संक्रमण का एक भी व्यक्ति आ गया तो फिर क्या होगा, इसका जिम्मेदार कौन होगा? जबकि चौकी प्रभारी काशीराम पंकज व सिपाही प्रशांत हरिओम भी मौके पर मौजूद थे। उन्होंने न केवल प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के आदेशों की धज्जियां उड़वाई बल्कि उनके द्वारा किसी राशन उपभोक्ता को समझाने की कोशिश भी नहीं की गई। उधर जब इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा से बातचीत की गई, उन्होंने भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया और कहा कि उनके द्वारा राशन डीलर से बातचीत की जाएगी। मुरादाबाद से सरफराज सैफी की रिपोर्ट। Come here.